दोस्तों पेंशन पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है जिसके माध्यम से आप अपनी पेंशन का पैसा जो ना चेक कर सकते हो कि कौन कौन से महीने का जो ना आपको पैसा मिला है, किस बैंक खाते में मिला है, कौन से महीने का जो ना आपको पेमेंट हुआ है, सारी जानकारी आप पेमेंट की अपनी निकाल सकते हैं पेंशन की, चाहे वो आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। नए ऑप्शन के माध्यम से आप पेमेंट की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पहले क्या होता था कि लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना होता था, तभी जो ना आपको पता लगता था कि आपका जो ना पैसा आया है, क्या पेंशन कटी है या नहीं कटी है। लेकिन अब आप इस नए ऑप्शन के माध्यम से अपनी पेमेंट की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको अपने पेंशन का पेमेंट चेक करने के लिए PFMS पोर्टल पर जाकर के वहाँ से जो ना आप अपने पेमेंट को चेक कर सकते थे। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों के मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं थे, इस वजह से वो जो ना पेमेंट को चेक नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो ना पेंशन पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है जिसके माध्यम से सभी लोग जो ना यहाँ पर अपनी पेंशन का पेमेंट जो ना चेक कर सकते हैं। कैसे जो ना आपको चेक करना है, सारी जानकारी निकालनी है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, ssby-up.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। आपको कौन सी यहाँ पर पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, उसके नीचे यहाँ पर देखिए दिया हुआ योजना के विषय में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहां पर वृद्धावस्था पेंशन है तो यहां पर योजना के विषय में इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन वाला पेज जो ना ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ आवेदक लॉगिन, यहाँ पर देखिए दिया हुआ आवेदक लॉगिन, इस पर जो ना आप क्लिक करना है, लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ना सबसे पहले आपको अपनी पेंशन स्कीम चयन करनी है कि आपकी ओल्ड एज पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है या विडो पेंशन है, विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, रजिस्ट्रेशन ID, इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, यहां पर जो ना आपको OTP फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, इसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड जो ना इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए डैशबोर्ड जो ना ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, इस पर जो ना आप क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। इसके बाद यहां पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहां पर देखिए आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन जो ना ऐड हो गया है, इनकी जो ना अभी अप्रैल मई और जून की पेंशन नहीं आई है, इस वजह से यहाँ पर ये और नया वाला ऑप्शन जो ना नहीं दिखा रहा है। लेकिन जिन लोगों की नई पेंशन जो ना आई हुई है, अप्रैल मई जून की पेंशन आई हुई है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की जो ना पहली किस्त आई हुई है, उन लोगों के में यहाँ पर नया ऑप्शन जो ना ऐड हो गया। आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दिव्यांग पेंशन जो ना आई हुई है, यहाँ पर देखिए आपको नया ऑप्शन जो ना एक देखने को मिल जाएगा, आवेदक को भुगतान का विवरण, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आवेदक को भुगतान का विवरण, नया ऑप्शन जो ना ये ऐड हुआ है। इसी के माध्यम से आप जो ना अपनी पेंशन की सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपकी पेंशन जो ना कौन से बैंक अकाउंट में जो ना आपकी पेंशन गई है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी कौन सी बैंक है, यहाँ पर कौन से बैंक अकाउंट है, कितना जो ना पैसा गया। यहाँ पर देखिए 3000 रुपये का पेमेंट जो ना रिलीज होगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट रिलीज डेट 28 जून 2022, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 28 जून को इनका जो ना पैसा जो ना मिला हुआ है, अप्रैल मई जून का पैसा जो ना इनको दिव्यांग पेंशन है इनकी, और इनको 28 जून 2022 को यहाँ पर पहली किस्त 2022-23 की यहाँ पर मिली हुई। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए Q1 लिखा हुआ है, Q1 यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली किस्त इनको जो ना मिल चुकी है 28 जून को। यहाँ पर इनको जो ना 3000 रुपये, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3000 रुपये की किस्त जो ना मिल चुकी है। यहाँ पर देखिए आपको 4 जो ना किस्तें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष का हिसाब से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जैसे कि 2022-23 है तो वित्तीय वर्ष का प्रथम किस्त जो ना इनको मिल चुकी है। इसके बाद यहाँ पर द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और फोर्थ किस्त यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपको सेकेंड किस्त मिलेगी तो यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी जानकारी इस तरीके से आप यहाँ पर लॉग इन करके अपने पेंशन पोर्टल से निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है, अब आपको लिस्ट में नाम चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करना है और आपके यहाँ पर आवेदक को भुगतान का विवरण जो ना सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको पेमेंट मिला होगा तो यहाँ पर जो ना शो हो जाएगा। ये जो ना पेमेंट जिन लोगों को अभी नया पेमेंट मिला हुआ है, अप्रैल मई जून का पेमेंट जो ना मिला हुआ है, उन्हीं के में ये ऑप्शन शो करा रहा है। और अगर आपको अभी तक अप्रैल मई जून की पेंशन नहीं मिली है तो आपको इंतज़ार करना है, कुछ ही दिनों में अप्रैल मई और जून की पेंशन आपको मिलने वाली है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको जो ना पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।